प्रदेश के कुशीनगर जिले की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। कुशीनगर के ग्राम सभा सरपतही खुर्द भरपटिया गांव में सिलेंडर फटने से लगी आग, सब कुछ हुआ जलकर खाक। आपको बता दें, बहन की शादी का सामान रखा हुआ सोने चांदी के गहने और ब्याज पे लिया हुआ पैसा भी जलकर खाक हो गया है। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की इस दर्दनाक खबर पर नजर, एजाज अंसारी की रिपोर्ट पर। एक गांव का लड़का है, वो दो गांव का लड़के हैं। एक का नाम क्या है, उसका मन्नू है, मन्नू मोहन, एक और कौन है, एक कोई और है, एक और कोई है, मैं चार आदमी, हम लोग तीन भाई, एक हमारे चाचा का लड़का है, चार आदमी हम लोग, दो छह छह आदमी। आप लोग यहाँ कुल पांच परिवार में आग लगी है ना, पांच लोग रहते थे। आपका परिचय? हमारा मुकेश नाम है, हम इनका बड़े भाई हैं, और जो है कि मान के चलिए कि अब हमारे छोटे भाई हैं, तो इसमें हमको थोड़ा दिक्कत जरूर है। इसके लिए अगर कुछ भी नुकसान होगा तो भाई भाई होता है। आग लगने के समय में आप भी मौजूद थे यहाँ पे? जी मौजूद थे, इसमें जो जले हैं उसमें हम खुद अब अपना जलन हम किसे बताएंगे। कैमरामैन पास में आइए, जरा दिखाइए, पूरा आपका जला हुआ ही है जी? ये जला है, ये पूरा जला है, पैर जल गया है, पूरा पैर जल गया है, हैं? अब देखिए, खुद भी आपका पूरा जला हुआ है। हाँ जला है, देख रहे हैं, पूरा जला है, पूरा ये इसका, इसके इस तरफ देखिए ना, पूरा देखिए जला है, ये देखिए पूरा जला है, पूरा जला हुआ। तो क्या क्या नुकसान हुआ और आपको? हमारा 60,000 रुपया 10 रुपया परसेंट पे लिए थे, 60,000 विदेश जाने के चक्कर में। अभी कल ही परसों में लाए थे, वो सब जर के खाक हो गया है, आप देखे भी हैं। वो औरत का व्यवहार था, सोने का छह, वो औरत का सोने का छह बिक्को था, चांदी का भी था, सब जल के राख हो गया, आप देखे हैं उधर। अलमारी में कोई कपड़ा लता नहीं, जो हम लोग पहने हैं शरीर में वही कपड़ा है, बाकी इसका कोई सामान नहीं है, सब जल के खाक हो गया बस। तो यहाँ पे कोई प्रतिनिधि प्रधान हो गए आपके गांव के, या फिर कोई और भी लोग आए हुए थे? नहीं, आए थे प्रधान जी, आए थे लेखपाल जी, आए थे ओ क्या नाम है, विधायक साहब आए थे, 25। कौन से विधायक? मंटू जायसवाल, मनीष जायसवाल, हाँ वही आए थे। कुछ सहयोग हुआ कि नहीं? हाँ, वो कंबल दिए और 2500 रुपया दिए, बोले कि आवास वास काम सब कुछ कर देते हैं, गैस से फटा है, एजेंसी पे फोन किए थे, वो एजेंसी पे, एजेंसी वाला आया था, जांच उच करके गया, बोला एजेंसी पे आओ, हम उसको करेंगे क्लियर, और यही सब किए हैं। प्रधान जी खाने पीने का राशन दिलवाए हैं, कोटेदार सुना है तो ला के दिया है, और सब कुछ नहीं किए हैं, सब यही यही इतना ही बात हुआ है, बस मतलब प्रधान जी और जो कि माननीय विधायक जी यहाँ पे पधारे, और 2500 रुपए का ये अलमारी में जो है कि आप देख सकते हैं कि जो अलमारी में चीजें रखी हुई थी वो पूरी जल चुकी है, पूरा का पूरा जल चुका है, कुछ भी बचा नहीं। ये पैसे हैं जो कि ये बता रही हैं कि ये पैसे जो कि कितने पैसे थे, 60,000 रुपए थे, ये पूरे पैसे जो कि जल चुके हैं, और ये 60,000 रुपए है, 500 का नोट है, ये पूरा पैसा जल चुका है, और ये 10 रुपए ब्याज पे जो कि लिया गया था। तो आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हमारी जो सुविधा है, जो हमें खाने पीने का राशन,
ये पैसे जो हमारा जल के खत्म हो गया, हम लोग के कपड़े लत्ते का व्यवस्था, हम लोग का रहने का व्यवस्था कुछ नहीं है हम लोग के पास, वही सुविधा चाहिए हम लोग को, दूसरा क्या चाहिए बस। ये पूरा इनका भी देख सकते हैं जैसे कि ये पूरा जल चुका है, पूरा जल चुका है। आप क्या मांग करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, क्या करना चाहेंगे सरकार? देखो तो बल्ले बनी सब भाई आते होते हैं, घर द्वार देखते हैं बानी। तो आइए कुछ और लोगों से हम बातें करते हैं और जानते हैं विशेष तौर पर। परिवार का कहना है कि ये सुबह 7 बजे की घटना है और 7 बजे घटना होने के बावजूद विधायक और सारे प्रधान और लेखपाल आए, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा मामला प्रशासन भी यहां पे मौजूद थी और फायर ब्रिगेड भी आया हुआ था, जिसकी वजह से जो कि आग बुझाई गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा जो कि जल के खाक हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, और माननीय विधायक जी की वजह से जो कि यहाँ पे जो कि मदद किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी तिरपाल वगैरह पाला जो कि ताना जा रहा है और यहाँ पे अभी ये रहने की व्यवस्था कर रहे हैं किसी तरह। और मैं सरकार से ये गुहार लगाऊंगा और जो कि पीड़ित भी गुहार लगा रहे हैं कि इनके जल्द से जो कि इनका जो कि जो भी मतलब हो उनकी जो कि मदद कराई जाए प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा। और आइए हम इनके इस घर के मुखिया से आपको मिलवाते हैं। ये है घर के मुखिया है जो हमारे साथ मौजूद हैं, और ये माता श्री हैं जो इस घर के बड़ी मुखिया हैं, और ये वो लड़की है जिसकी शादी होने वाली थी और जो है कि इसके सारे सामान और पैसे जल गए। और माँ का क्या हाल है आप देख ही सकते हैं, रो रही है बहुत बहुत देर से बैठ करके। पहले तो माता जी आप शांत हो जाइए और बताइए कि क्या बात है, क्या बोल रहा है? अपना नाम बताइए। उर्मिला। उर्मिला बहुत तेज बोलिए माता जी। उर्मिला। उर्मिला नाम है, तेज बोलिए माता जी। उर्मिला। उर्मिला नाम है। क्या मामला हुआ है सही बताइए? मामला हमारे लैकनी के सारी सामान जल गए, चार गो भी खुद किन के धैले रहनी है, कपड़ा लता किन के धैले रहनी है, ट्रंक रहला सब सामान हमारे लैकनी के जल गए, सियाई बिना नगद 1.5 लाख रुपया रहला सब धैले रहनी है। दहेज मंगन है लोग, दहेज खातिर जानता नहीं है, कहत रहनी है जे बाबू 1 कट्ठा 2 लाख मांगत रहला लोग, तो नहीं दे पाउनी है, 1.5 लाख रुपया धैले रहनी अब देवे के, हमारे सगरी जल गए। का चाहत नहीं सरकार से सासी, का गुहार लगा जाती हम? यह लगता है हमारा लड़कन की शादी करा दी, यदि पैसा शादी हो जा। अरे दादा, अरे ये जो कि जो बुजुर्ग महिला है, जाहिर सी बात है कि जिसका सब कुछ लूट जाए बर्बाद हो जाए उसका यह हाल होना लाजमी है। और ये जो है कि आइए मैं उस लड़की से बात करता हूँ जिसके हजारों अरमान होंगे, जिसकी शादी होने वाली थी और वो अचानक से ऐसी स्थिति में आ जाए तो जाहिर सी बात है कि सारा घर खानदान जो है कि हिल जाता है, और यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डिंपल है। डिंपल नाम है। आपकी शादी होने वाली थी? हाँ। कब की? 5 मई को। 5 मई। आप क्या चाहती हैं सरकार से? हम यही चाहते हैं कि हमारे माँ बाप अच्छे से, हमारे परिवार पूरे घर द्वार बन जाए, हमारे अच्छे से शादी हो जाए, बस यही चाहते हैं, सब कोई खुशी रहे, हमारे घर जल गया तो कहाँ से लो देंगे, हम बस यही चाहते हैं सब कोई अच्छे से रहे, हमारे भी शादी अच्छे घर में हो जाए, जिन लोगों का अरमान पूरा भी हो जाए हमारा भी अरमान पूरा हो जाए, बस यही चाहते हैं और क्या चाहेंगे। जैसा कि देख ही रहे हैं और हमारे साथ इनके जो कि तीसरे जो अगल बगल के लोग हैं उनका भी काफी नुकसान हुआ है जो कि जल चुका है, इनके जस्ट बगल में जो घर है। आपका क्या नाम है भैया? सुधीर गौड़। सुधीर गौड़। हाँ। क्या नुकसान हुआ आपका? हमारा यही अनाज पानी जला है, घर जला है और बिखोबा था वो जला है। अभी 50,000 रुपया लाए थे, खेत रेन लिए थे, वो छोड़ाए थे, वो लाए थे तो वो अलमारी में रखे थे, वो जल के राख हुआ गया है। हाँ, और 7 थान बिखो था, औरत का जेवर था और सारा सामान था, अनाज बेड था, चौकी था, ये सब जल चुका है। मतलब कोई सहायता मिली कि नहीं मिली आपको? नहीं मिली, अभी नहीं मिली, कोई सहायता नहीं मिली। मनीष जसवाल यहीं रहेंगे, पल्ली उल्ली डाल के रहेंगे। हाँ। जाड़े में तो सारी चीजें, मान लीजिए इतनी ठंड पड़ रही है, सब जल गया है। हाँ, कपड़ा लत्ता एक नहीं है, जो पहने है वही है।
हाँ तो मनीष जायसवाल जी कुछ आपका सहयोग नहीं किए कपड़े लगते या किसी चीज की, बस 2500 रुपए दिए? हाँ खाली 2500 रुपये दिए हैं। प्रधान जी आए थे कि नहीं स्टोर? हाँ आए थे, पिपरा का फोर्स आए थे, पूरा एसओ सब आए सारे थे, लोग आए और थे। पानी फिल्टर वाले वो भी आए थे, वो हाँ। भी समय से आए बुता बुता रहे थे। हाँ तो कुछ प्रशासन के मतलब तो प्रशासन ने कुछ आपको आश्वासन दी या फिर हाँ कहा क्या, खाली मतलब कुछ आश्वासन दे के गए हैं कि क्या हाँ बोला कुछ उन्होंने? मिले, कुछ मिलेगा आप लोग को, हाँ तन देर होगा लेकिन मिलेगा, मिलेगा। आवास वास के लिए घर और बनाने के लिए बोले हैं। हाँ यही बोल के गए हैं बस। आइए हमारे साथ इनकी वाइफ जो है कि मौजूद है और कुछ और भी लोग जो कि मौजूद है, आइए उनसे हम जानते हैं। चाची जी क्या नाम है रहुआ? राधिका। राधिका हाँ का भाई ले इतना मतलब ऐसे हो गई कैसे? गैस गैस फाटल लोला वही सर जरूर सामान फाटल दिखो कपड़ा लत्ता लेकिन के का कहल चाह तोड़ सरकार से क्या जन मांगो? जोरल बा तन उहे दे दे और का क्यों कही घर द्वार बन जाऊन कही दूसर का क्यों कही हमने के रहे के अतन देते हैं जाड़ा में ठंडी लगता है ना लइका दू दू गो बान को और लड़का है, दो गो लड़का हम हां दू गो बान को जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकी दो दो तीन तीन बच्चे हैं, कुछ उनके भी बच्चे हैं, और जो कि इस समय ये बता रहे हैं कि इनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं है और इतनी ठंड हो रही है इस समय, कैसे ये रहेंगे? कह रहे हैं कि तिरपाल पान बांध के जो कि रहा जाएगा। मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि इनको जल्द से जल्द जो कि सहयोग किया जाए और कुछ इनको राहत पहुंचे, और प्रशासन से भी अपील करना चाहूंगा कि इस मामले में जो है कि जल्द से जल्द इनको राहत पहुंचाने की कोशिश की जाए। और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ हंगामा टाइम न्यूज में, मैं इजाज़ अंसारी इसी के साथ अलविदा देता हूँ। जय हिंद। आप देख सकते हैं कि यहाँ के प्रधान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और सरपताही खुर्द के, और इस समय जो भरभटिया में जो आग लगी थी ये वहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो कि प्रधान है, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या पूरी मतलब मामला रहे। और वहाँ पे विधायक जी भी आए हुए थे, सारे लोग मौजूद थे और वहाँ पे ये वहीं पे उपस्थित थे, तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं हम कि क्या मामला रहा वहाँ पे। परिचय आपका? मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ और सुबह लगभग 7-8 बजे लगी है आग। ये तो काफ़ी दुखद घटना है। वो क्षति तो नहीं पूरी की जा सकती है, लेकिन उनके साथ उस परिवार के सब वहीं पे उपस्थित थे, तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं हम कि क्या मामला रहा वहाँ पे। परिचय आपका? मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ और सुबह लगभग 7-8 बजे लगी है आग। ये तो काफ़ी दुखद घटना है। वो क्षति तो नहीं पूरी की जा सकती है, लेकिन उनके साथ उस परिवार के साथ निरंतर हम लोग बने हुए हैं, जो भी हर संभव कोशिश हो मदद पहुंचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और माननीय विधायक जी भी आए थे, उन्होंने अपने हाथों से कंबल भी दिया है। मेरे थाने के स्टाफ लोग आए थे, वो भी काफ़ी सहयोग किए। मौके के हल्के के लेखपाल कानूनगो साहब आए थे, हमारे सचिव साहब आए थे, इन्होंने भी वो किया है। माननीय विधायक जी ने आश्वस्त किया है उन लोगों को, उच्च अधिकारियों से बात भी किया है कि इन लोगों को जल्द से जल्द आवास मुहैया कराया जाए। उन्होंने कुछ अपने पास से कुछ सुविधा वो किया है, पैसा भी कुछ दिया है। परिवारजनों का कहना है कि, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा कि परिवारजनों का कहना है कि विधायक जी आए थे तो मात्र 2500 रुपये की राशि हमें जो उपलब्ध कराई और कुछ खाने पीने के राशन की चीजें मिली। हाँ विधायक जी ने दिया था, ये बात सत्य है कि 2500 रुपया उन लोगों को तब तक तिरपाल टालने के लिए उन्होंने दिया है, और कुछ खाने की सामग्री के लिए भी बोले हैं कि आप लोग यहाँ पहुँचाइए। आपके द्वारा क्या सहयोग किया गया? मेरे द्वारा तत्कालिक अभी सुबह उन लोगों के खाने के लिए कुछ सामान भिजवाया गया है, फिर अभी उसी लिए मैं तैयार हूँ कि शाम का 2-4-10 दिन के लिए उन लोगों खाने की व्यवस्था किया जाए, तब तक जब तक कि कोई सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। और ठंड का चूंकि मौसम है तो मैं ये सोचा हूँ कि उनके लिए उनका तो पूरा जो है बिस्तर कि वगैरह। उनका जो है कि पूरा जो कि सारा चीज जल गया है, तो वो खुद गुहार लगा रहे हैं, फैमिली जिनकी जो जली है वो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, सोने खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसकी पूर्ति आप कहाँ तक करा सकते? जैसे मैंने टेंट से 20 रजाई 20 गद्दा के लिए बोला है, और खाने का भी प्रबंध मैं कर रहा हूँ, उसीलिए मैं निकल ही रहा था तब तक आप लोग आ गए हैं।
हमको लग रहा है कि एक घंटे के अंदर अंदर ये सारी सामानें पहुंच जाएगी, क्योंकि ठंड का मौसम है तो स्वाभाविक है कि रजाई गद्दा की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और सब कुछ जल के जब समाप्त हो गया, उनके शरीर पे केवल जो वस्त्र बचे हैं वही है, बाकी से सब कुछ जल के नष्ट हो गया। बीमार हो रही थी कि उनकी बेटी की शादी थी 5 मई को, वो भी रुक गई, सारे पैसे जल गए, बिखो थे वो भी जले गए, बकरियां भी कुछ जली है कहने में आ रहा है। ये बकरी, एक सुधीर नाम का लड़का है, उसकी बकरी जल गई है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।